नमस्कार दोस्तों, दिल्ली फ्रूट मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज 16 जनवरी 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आजकल लहसुन का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में लहसुन की क्या पोजीशन है, आज की कितनी गाड़ी आई। दोस्तों चलिए जान लेंगे जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास, आज इनके पास देखो क्या शानदार मोटे वाले नए लहसुन आए। ये भी नया लहसुन है सारा का सारा, ये भी नया लहसुन है, ये भी नए लहसुन है, और ये भी जो है नई किन के पास ये काफ़ी वैरायटियाँ आई। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ पोजीशन है, आज का क्या कुछ रेट चला, चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ स्थिति है। किधर जी? हाँ जी बाबू जी किधर गए जी? अभी गए जी यही मंडी में। लो दोस्तों तो मंडी में जा लिए, लो तो कॉल ही करना पड़ गया, मैं तो वीडियो भी उधर से ऑन कर ली। हेलो सर जी, नमस्कार जी। हेलो सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी किधर जा लिए, मैं तो आपकी दुकान पे आया, इधर कैमरा भी चालू कर दिया, आप पता चला है नहीं यहाँ पर किधर। मैं अभी अभी गया हूँ मंडी में, गया हूँ थोड़ा काम से। हाँ जी जी मालिक। हाँ जी, तो आज का तो बहुत जरूरी था जी, नया लहसुन आया आपके पास, तो कई वैरायटियां जी लहसुन में जी। हाँ लहसुन ये ऊटी वाला आया था, ऊटी वाला है, 100 रुपए का बेचा है। हाँ जी, एक्स्ट्रा माल होता तो 120 रुपए तक चला जाता। अच्छा जी। और दांता है, दांता अभी बिका नहीं, इसका अंदाजा 30-40-35 यही पोजीशन है। ये छोटे वाला जो छोटा रखा जी, छोटा जो खिला हुआ। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, खिला हुआ माल है। इसका क्या रेट बताया आपने? इनके 35-40 रुपए, 45 रुपए यही पोजीशन समझे आप। अच्छा जी, अच्छा जो छोटे में है जी। तो आज सर जी मंडी में गाड़ियाँ कितनी है जी? है 20 गाड़ी की आमदनी है। हाँ जी। और 150-200 गड्ढा नया है। अच्छा जी, अच्छा तो आपके ही पास है जी लहसुन सारा को, और भी दुकानों पे आया होगा किसी पे जी? थोड़ा नहीं नहीं। हाँ जी, दो दुकानों पे आया, मैं तीन दुकानों पे मिला के। अच्छा जी, 200 गड्ढा है, मेरे पास 80 गड्ढा था। अच्छा जी, अच्छा तो जो इसमें जो सबसे मोटा बम्पर है जी, इसका क्या बाजार चला जी? है सर ये जो मोटे, जो ये वाले मोटे आप देख रहे हो ना। हाँ जी हाँ जी। ये हमने बेचे हैं 100 रुपए के। ये 100 रुपए। इसमें एक और एक्स्ट्रा मोटा माल आया था मेरे पास। हाँ जी। दूसरे का वो 120 रुपए का बिका, एकदम मोटा माल था। अच्छा जी, अच्छा अच्छा मोटा जी। अच्छा जी, और जो दूसरे इसमें मीडियम चाल में जी है? ये सब एक ही उसके आस पास है, 19-20। अच्छा जी, अच्छा ये सब इनका अंदाजा 100 का है। अच्छा जी, अच्छा और जो बात करें सर जी जो दूसरे लहसुन है, इनकी क्या पोजीशन चल रही है? जो वैसे नॉर्मल बाजार है जी, है वही समान पोजीशन है यार। हाँ जी सेम पोजीशन है। हाँ जी, बाकी आप ये समझे कि अगर आज गाड़ियां कम होती तो आज 5-5-7-7 रुपए खींचते। अच्छा जी, गाड़ियां वही 20 है। हाँ जी हाँ, अगर आवाज़ कम होती है आने वाले हफ्ते में। हाँ जी, तो पोजीशन अच्छी है क्योंकि आने वाला 15 दिन बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, अच्छा नया इतनी स्पीड से आएगा नहीं। हाँ जी, और डिमांड तो खुली गई है। हाँ जी, 4-5 हजार तो सेल हो ही रहे। हाँ बस यही पूछना था ना जी कि डिमांड कितनी चल रही थी आज की, जैसे डिमांड के लिए डिमांड है। अच्छा जी, 5-6 हजार तो है ही है ना सर। अच्छा जी, अच्छा अब देखिए ना, 200-250 मार्केट में आया, सारा बिक गया। अच्छा, दांता दूसरा छोड़ दो। हाँ जी, माल तो खत्म है। अच्छा, अगर 2 हजार भी दिल्ली मंडी में आता तो उससे पुराने को फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी। अच्छा जी, अच्छा और 2 हजार दिल्ली में तब आएगा जब पीछे 8-10 हजार होगा। हाँ, तब दिल्ली के हिस्से में 2 हजार आएगा जी। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी तो वहीं पे 3-4 हजार का अंदाजा है। अच्छा, 4 हजार होना चाहिए बस उससे। अच्छा जी, अच्छा लहसुन तो वैसे बड़ा जानदार सॉलिड लहसुन है जी, वजनदार। हाँ आप तो सर नया माल तो सॉलिड ही आएगा। अच्छा जी, और जो सर जी जो मान लो जो चाइना ना आए तो यही लहसुन मैं कहूँ, ये तो 150 रुपए से ऊपर जाएगा जी, जो सर नए वाला जी है। दो गाड़ी चाइना है। अच्छा जी, ये तो मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ। हाँ जी, ये तो शुक्र करो कि रेट चाइना का तेज है। अच्छा, तो पुराने वाले बच्चे हुए हैं, नहीं तो पुराने वालों का धुआं निकल जाता है इस साल की। अच्छा, जैसे पिछले साल हुआ था वैसे इस साल हो जाता। यानी चाइना का जो असर पड़ेगा, पहले तो हिमाचल वाले पे पड़ रहा था, अब इस पे जो नए फसल आई है इसके ऊपर है ना, जो नया ऊटी है उसको तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा। अगर चाइना ना हो। हाँ जी, मेरी चाइना 140-147 रुपए का बिका। हाँ जी, यही चीज 110 की बिकती जो 100 वाली थी। अच्छा जी, अच्छा हाँ 110-120 की बिक जाती। अच्छा जी, चाइना का देखो बैड इफेक्ट तो है ही है ना। हाँ जी, और मजे की बात कि बैन होने के बावजूद भी खुलेआम आ रहा है।
अच्छा जी, तो मुझे तो यूँ लग रहा कि आपको भी कुछ दिन बाद ऐसे ही बैठना पड़ जाएगा, क्योंकि आपका भी गला बैठ जाएगा जी, कह के आप तो अकेले ही रह गए जी, पूरे देश में से कोई आगे आने वाला है ही नहीं जी इसमें। भाई साहब कोई नहीं आए, देखो जी, हाँ जी, एक आदमी ने ना वो बीड़ा उठाया होता है कि हम सबको जगाएंगे। हाँ जी, हम हर एक को बोलते हैं, मजे की बात आप समझो। हाँ जी, आप ये नहीं समझो कि आपका इंटरव्यू ये सिर्फ किसान देखता है। हाँ जी, मैं कल एक यही डेथ में गया हुआ था। हाँ जी, हमारी रिलेशन में डेथ हुई थी। हाँ जी, तो वहाँ हमारा कजन भाई है, वकील साहब है संजय भाई। हाँ जी, तो उन्होंने कहा यार खुदाना जी मैं आपका इंटरव्यू देखता हूँ, बहुत बढ़िया बोलते हो। तो मैंने कहा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, आप तो एक वकील हो। हाँ जी, कह भाई मैं तो सारे इंटरव्यू देते हुए देखता हूँ। हाँ जी, आप समझे जो मैं बताने का मतलब है। हाँ जी, कि अगर वकील साहब जैसे लोग इंटरव्यू देख रहे हैं जिनका इससे लेना देना कुछ नहीं है दूर तक, हाँ जी, तो क्या ये सरकार तक नहीं जा रही होगी बातें? ये बिल्कुल जा रही है, मेरे वीडियो को मैंने आपको एक बार दिखाया था, मेरे वीडियो को सरकारी तंत्र सारा देखते हैं जी, सरकारी अफसर देखते हैं, मिनिस्टर देखते हैं जी, इंटरटेनमेंट। तो मजे की बात देखो फंडा की, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर कार्रवाई हो जाए, अगर सब थोड़े बहुत जागरूक हो जाए किसान लोग व्यापारी लोग, तो ये कार्रवाई होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि मकसद यही है बताने का कि हमारे इंटरव्यू जो है आम आदमी तक जा रहे हैं और खास तक भी जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, भाई किसान तो देख ही रहे, व्यापारी देख ही रहे, लेकिन ये आउट ऑफ वे जाके मिनिस्टर्स को भी जा रहा है, आम आदमी को भी पहुंच रहा है इंटरव्यू। तो आप समझो इसमें हल्की सी अगर जागरूकता आ जाए व्यापारियों में। हाँ जी, कि हमारे समाज के लिए चाइना लसन कितना खतरनाक है, इसमें वायरस है, ये शरीर के लिए खराब करेगा, तो एक आम आदमी को भी पता चलनी चाहिए ये बात कि इसमें वायरस है। हाँ जी, हाँ जी, तभी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है। ऐसा है जी, कभी ना कभी तो आपकी रंग मुहिम लाएगी जी, जरूर लगाए जाएगी जी। नहीं नहीं भाई साहब आएगी 101%, आप देखना इन पे छापे पड़ेंगे, वही लोग अगर जो ला रहे हैं इनका भी तो फंडा ये है कि दूसरी कंट्री से ला रहे हैं, ये तो ईरान का है। हाँ जी, फंडा क्या है? ईरान का। अच्छा, मैं आज ही गवर्नमेंट को आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि आप ब्लड टेस्ट करवा लो। अच्छा, आपको पता चल जाएगा ईरान का लसन है चाइना का लसन। हाँ जी, यानी ये वाया ईरान हो क्या रहा जी? यार ये तो पुराना फंडा है इन लोगों का। हाँ जी, ये कोई जैसे आपने चाइना से बैन कर दिया, हाँ, किसी दूसरी कंट्री से तो कभी उस कंट्री से बैन हो गया। अच्छा, तो किसी कंट्री से। अच्छा जी, इसमें कमाई है मोटी। अच्छा, 10-10 लाख ऐसे, हाँ, 15-15 लाख ऐसे कंटेनर मिल रहा है। हाँ जी, कमाई। अच्छा जी, एक कंटेनर में जी। हाँ जी। अच्छा जी, अब आप समझे एक कंटेनर में जब 10-15 लाख रुपए मिल रहा है एक, हाँ, अभी एक ही आदमी ने 25 कंटेनर हुआ है। हाँ जी, वो तो भाई साहब 3-3.5 करोड़ कमा गया। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, देखिए उसका इफेक्ट पूरी बिरादरी पे, लसन बिरादरी पे आ रहा है। हाँ जी, चाहे वो तो व्यापारी है, आड़ती है, स्टॉक करने वाला कोई भी है, सब पे असर आएगा जी उसका। तो जी कोई भी है भाई साहब, सब पे आ रहा है। अब ये है कि कितनी जल्दी हम लोग जागरूक होते हैं। हाँ जी, ये हम लोगों के ऊपर है। अच्छा जी, चलो देखो जी कब तक फिर। सर जी, अब तो किसानों के लिए क्या मैसेज भी भेजते रहो जी, इसको जो पुराने वाले लसन है जी, पुराने लसन। बिल्कुल सर, मैं तो पिछले 4-5 इंटरव्यू से ही बोल रहा हूँ। हाँ जी, कि अब धीरे धीरे निकालना चालू करो, अब 15 दिन अपने रह गए। हाँ जी, उस हिसाब से 15 दिन का टारगेट लेके आप अपने मालों को निकालो। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए जी। ओके जी, धन्यवाद। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब का ये कॉन्टेक्ट नंबर है।